नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायलेंस के बारे में। तो वायलेंस की किस कॉन्टेक्स्ट में बात होगी? वायलेंस इन रिलेशन टू वुमेन। तो दोस्तों, आप न्यूज़ सुनते होगे, अखबार पढ़ते हो, या आप सोसाइटी में ऑब्जर्व करते हो, तो डे टू डे एग्जांपल्स में आप ऐसी चीज़ों के साथ फेस करते होंगे जिसमें आप ये सुनते होंगे कि वायलेंस वुमेन के अगेंस्ट इंडिया में बहुत ज़्यादा है या वर्ल्ड ओवर बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का पर्पस यही है। हम देखेंगे कि वर्ल्ड ओवर सिनेरियो क्या है, इंडिया में सिनेरियो क्या है, और वायलेंस किस टाइप की है, और क्या क्या फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, कुछ उन पे हम नज़र डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि किस किस टाइप की वायलेंस होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो टाइप ऑफ वायलेंस होती है आपकी मल्टीपल टाइप्स की। मैं ये तो नहीं कहता कि मैं आई विल कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ वायलेंस, बट सडनली आई हैव ट्राई टू कवर एज मैनी एस्पेक्ट्स एज पॉसिबल। तो इसमें दोस्तों पहली बात आ गई आपकी फिजिकल वायलेंस की, दूसरी आपकी सेक्शुअल वायलेंस की, साइकोलॉजिकल वायलेंस की, डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड वायलेंस की। तो फिजिकल वायलेंस में मल्टीपल चीज़ें आती हैं, इट इंक्लूड्स मल्टीपल थिंग्स लाइक वी कैन से डोमेस्टिक वायलेंस, वायलेंस एसिड अटैक्स एंड एंड काइंड ऑफ द वायलेंस ऑन द पब्लिक प्लेसेज। ऐसी सारी चीज़ें जो हैं ये फिजिकल वायलेंस में आ जाती हैं, जिसमें फिजिकली वुमेन को असोल्ट किया जाता है। और दूसरी टाइप की वायलेंस आपकी आ जाती है सेक्सुअल सेक्सुअल वायलेंस की। तो ये जो सेक्सुअल वायलेंस है ये भी मल्टीपल टाइप्स की हो सकती है। ये सेक्सुअल अब्यूज हो सकता है, या सेक्सुअल असोल्ट हो सकता है, या रेप तक भी ये बात जा सकती है, और रेप एंड मर्डर तक भी ये बात जा सकती है। तो ये तो होगी एक सेक्सुअल वायलेंस की टाइप। और उसके बाद है साइकोलॉजिकल। तो दोस्तों, सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा मिनांस है वो साइकोलॉजिकल वायलेंस है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ वुमेन हु डोंट फेस फिजिकल वायलेंस बट दे आर साइकोलॉजिकली टॉर्चर्ड। जो वुमेन होती हैं उनको साइकोलॉजिकली टॉर्चर किया जाता है, चाहे वो वर्क प्लेसेस पे हो जहाँ पे वो काम करती हैं, चाहे वो डोमेस्टिक लेवल पे हो, घर के लेवल पे हो, या आप बोल सकते हो कि कोई पब्लिक प्लेस के लेवल पे हो। तो साइकोलॉजिकली एक तरह से उनको सफर कराया जाता है, एज इफ द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेंटेनिंग द थिंग्स इन इन प्लेस इज ऑफ वुमेन। सो ये साइकोलॉजिकल वायलेंस का भी इंडिया में काफ़ी प्रॉब्लम है, और ये कई तरीके की आगे आगे प्रॉब्लम्स को खड़ा करता है, जैसे डिप्रेशन हो गया, सुसाइड अटेम्प्ट्स हो गए गर्ल्स के द्वारा। तो ये चीज़ें जो हैं आपकी, ये भी वायलेंस में आती है। और चौथी टाइप है दोस्तों डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड। तो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड भी काफ़ी कॉमन वायलेंस है, बिकॉज इसमें आपका आता है जैसे आप बोल सकते हो कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज दैट आर नॉट प्रोवाइडेड टू वुमेन। सो एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज वुमेन को ना देना, या उनको अच्छा अच्छा अच्छे न्यूरिशमेंट नहीं देना, या आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो राइट टू हेल्थ नहीं देना उनको, या आप ये भी इंक्लूड कर सकते हो कि चाइल्ड मैरिज भी इसमें आ जाती है, बिकॉज द फैमिली टेंड्स टू मैरी द गर्ल चाइल्ड एज मच अर्ली एज पॉसिबल। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की हैं। तो देखिए, सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे, मैंने एक ये आपके सामने फोटोग्राफ भी इंक्लूड किया है। तो देखिए, सबसे बड़ा जो मेन फैक्टर है वो साइलेंस है, बिकॉज लॉट ऑफ वुमेन वो क्या करती हैं, दे जस्ट सिंपली फेस द वायलेंस, और दे जस्ट कीप इट टू देमसेल्व। सो इससे क्या होता है कि प्रॉब्लम जो है वो अपने मन में रखे, इससे वो उस चीज़ को सहन करती रहती हैं, करती रहती हैं, करती रहती हैं। लेकिन इससे क्या होता है, इससे सामने वाले की जो वायलेंस करने की टेंडेंसी है वो बढ़ती है, बिकॉज उसको किसी भी तरह का डेटरेंस नहीं होता। इफ़ देर इज अगर किसी तरह का डेटरेंस हो, इफ देर इज सम डेटरेंस इन प्लेस, देन सर्टनली दैट पर्सन विल थिंक ट्वाइस बिफोर फिजिकली और सेक्शुअली और साइकोलॉजिकली असोल्टिंग यू। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है साइलेंस की। तो दोस्तों, अभी मैंने आपको ये टाइप्स बताई, हालांकि ये टाइप्स इतनी कॉम्प्रिहेंसिव नहीं है, बट एक वीडियो में इतना इंक्लूड नहीं किया जा सकता। तो आपको आप सोच सकते हो डे टू डे एग्जांपल्स में और तरह की वायलेंस भी होती है। तो दोस्तों, नेक्स्ट जो बात है हमारी, कुछ फैक्ट्स और फिगर्स की है जो मैंने आपको ये इंक्लूड किए हैं आपको समझाने के लिए। तो दोस्तों, ये जो सिनेरियो है अभी वर्ल्ड ओवर है, ये मेरे फैक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट दीज आर द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ फेमस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, यूनिसेफ एंड इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो डिफरेंट डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस है, आई हैव कंपाइल द डाटा ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस एंड आई हैव प्लेस्ड बिफोर यू। तो दोस्तों देखिए, इसमें क्या है, पहली बात तो है, आप पहला डाटा देख सकते हो कि 1 in 3 वुमेन एक्सपीरियंस फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस।
तो जो सर्वे किया गया वर्ल्ड ओवर, ये पाया गया कि 33% ऑफ दी वुमेन किसी ना किसी तरीके के फिजिकल और सेक्सुअल वायलेंस को फेस करती हैं। हालांकि दोस्तों ये जो है ये रिपोर्टेड वायलेंस है। जो 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 फीमेल्स, अगर सर्वे होता है, कई बार क्या होता है कि फीमेल्स को अप्रोच किया जाता है, उनसे पूछा जाता है, लेकिन वो बताती नहीं है, तो एक्चुअल फिगर तो और भी बहुत ज़्यादा एक तरह से थ्रेटनिंग हो सकती है। लेकिन हमारे जो सामने हैं वो आप देख सकते हो कि 33% वायलेंस फेस की जाती है उनके द्वारा। और इनफैक्ट ये भी पाया गया कि 48% ऑफ दी जो मैरिड वुमेन है दे हैव नो पर्सनल फ्रीडम इन सेक्शुअल रिलेशंस। तो अगर एक बार अगर लड़की की मैरिज हो जाती है, वुमेन की मैरिज हो जाती है, तो उसको एक तरह से ये मान लिया जाता है कि शी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन टू हुम शी इज मैरिड। तो उससे क्या होता है कि जो वुमेन होती हैं वो अपने पर्सनल रिलेशन में अपने 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 पार्टनर के साथ रिलेशंस में अपनी फ्रीडम को एक्सरसाइज नहीं कर पाती। और इसमें भी जो जो साइलेंट तरीके से जो असोल्ट होता है वो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। तो इनफैक्ट इंडिया में तो अभी बात भी चल रही है, डिबेट चल रही है कि वेदर जो मैरिटल रेप है, जो मैरिटल रेप है उसको लॉ में कंसिडर किया जाए या नहीं किया जाए। तो इनफैक्ट ये होना चाहिए, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल की एक पर्सनल फ्रीडम होती है। अगर उसको कोई पर्सनल फ्रीडम को कोई वायलेट करे, देन ये चीज आपको और किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर हम अपनी बात भी करें, हम इंडिविजुअल एज अ मेल एंगल से भी देखें, तो सर्टेनली हमें कोई भी फोर्स नहीं कर सकता कोई भी काम करने के लिए। इफ समबडी सेज कि हाँ जी, हम मैंने आपको आपको मैंने आपसे शादी कर लिया है, मैंने आई हैव काइंड ऑफ अब मेरा तुम्हारे ऊपर हक हो गया, सर्टेनली देर इज अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रिलेशन। बट अंडरस्टैंडिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सेक्सुअल असोल्ट करोगे, आप वायलेंट तरीके से उस बंदे के ऊपर एक तरह से आप उसको अब्यूज करोगे। तो देर इज अ डिफरेंस बिटवीन अंडरस्टैंडिंग एंड एंड योर दिस फिजिकल अब्यूज। तो और जो देखा गया वो ये पाया गया कि नियर अबाउट 750 मिलियन वुमेन जो भी मैरिड हैं, दे वर मैरिड बिफोर देयर 18th बर्थडे। सो इनफैक्ट द चाइल्ड मैरिज इज वेरी मच प्रेवलेंट इन ग्लोबल सिनेरियो एज वेल। सो चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम अकेली इंडिया में नहीं है, चाइल्ड मैरिज वर्ल्ड ओवर ऑब्जर्व की जाती है। और 750 मिलियन वुमेन एंड गर्ल्स जो हैं वो ऐसी हैं जिनके 18th बर्थडे से पहले शादी हो गई। तो दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है, पर्टिकुलरली दिस इज मोर प्रेवलेंट इन लो इनकम एंड मिडिल इनकम कंट्रीज लाइक इंडिया एंड अफ्रीकन कंट्रीज। तो एशिया की भी काफ़ी कंट्रीज में ये प्रॉब्लम है। और नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ये भी ऑब्जर्व है कि इनफैक्ट एक और प्रॉब्लम है कि कई सोसाइटीज में ऐसे ट्रेडिशंस हैं, ऐसे कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, ऐसे रिचुअल्स हैं जिनमें क्या है, फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन की जाती है। इसको ये कंसिडर किया जाता है कि ये जो है एक तरह से उसको प्योरिटी एंड पोल्यूशन वाली थिंग सोच के फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन होती है। तो ये बहुत ही एक तरह से गलत प्रैक्टिस है। और ये भी और इसमें जो आपका सर्वे हुआ है, यूनाइटेड नेशन ने ये पाया कि 200 मिलियन गर्ल्स हैव अंडरगोन फीमेल जेनेटिक म्यूटिलेशन एज ऑफ नाउ। तो दोस्तों अब अगर बात करें वुमेन के किलिंग के बारे में, तो इनफैक्ट देखा ये भी देखा गया कि अगर दो वुमेन की डेथ होती है तो उसमें से हर एक वुमेन जो 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 मारी जाती है, वो इनफैक्ट उनका उनका जो मर्डर होता है वो किया जाता है पार्टनर्स के द्वारा या फैमिली, किसी क्लोज फैमिली मेंबर के द्वारा। बट इन केस ऑफ मैन यही जो फिगर है वो 1:20 है। तो आप देख सकते हो कि फैमिली जो इनफैक्ट वुमेन सबसे ज्यादा वायलेंस का, हम बोलते हैं कि पब्लिक प्लेसेस पे सर्टेनली है, बिकॉज हम अगर बात करें इंडिया में भी तो पब्लिक स्ट्रीट्स जो हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक प्लेसेस हैं, वो सेफ नहीं है वुमेन के लिए। और इनफैक्ट एक रिपोर्ट तो 2018 में यहां तक उसने बोल दिया कि इंडिया में वुमेन के लिए इंडिया सबसे अनसेफ जगह है। लेकिन दोस्तों ये बात अगर ये ना माने तो ये तो पक्का मानने वाली बात है कि ये चीजें बहुत ज्यादा प्रेविलेंट हैं पब्लिक स्फेयर में, बट प्राइवेट स्फेयर में और भी ज्यादा है। बिकॉज आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली 50% ऑफ दी वुमेन जो 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 मर्डर की जाती हैं वो दे आर मर्डर्ड बाय द फैमिली और आइदर देयर पार्टनर्स। तो इस मेल्स के केस में ये सिर्फ फिगर 1:20 है। तो इनफैक्ट दोस्तों ये भी देखा गया कि नियर अबाउट 71% ऑफ दी जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है वो वुमेन में होती है।
तो जैसे मतलब वुमेन एंड गर्ल्स में होती है। तो इनफैक्ट जो आप अगर आप बात करें कि 100 केसेस आए ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, उसमें से 71 ऐसे होंगे जो वुमेन होंगी या गर्ल्स होंगी। और इनफैक्ट सडनली ट्रैफिकिंग इज द ह्यूमन राइट वायलेशन, बिकॉज आप किसी बंदे को बेच रहे हो या खरीद रहे हो, तो सडनली ये एक तरह से ह्यूमन राइट वायलेशन है, बिकॉज उसका उसकी जो पर्सनल फ्रीडम है, जो उसकी पर्सनल डिग्निटी है, वो नहीं रही। आपने इंडिविजुअल की कमोडिफिकेशन कर दी, और उसमें सडनली वो ये तो सर्टनली गारंटेड है कि जो बंदा आपको ट्रैफिकिंग करके लेके जा रहा है, जो जिसको वो देगा, वो सर्टनली वो जब पैसे देगा तो आपसे वो कुछ भी काम ले सकता है। तो इनफैक्ट ये भी पाया गया कि 3 out of 4 सच गर्ल्स और वुमेन, उनको सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया जाता है, उनको कमर्शियली ऐसी चीजों में भेजा जाता है जिनमें उनकी मतलब कि एक तरह से डिग्निटी को कॉम्प्रोमाइज किया जाता है, और उनको ऐसी इलीगल प्रैक्टिसेस में फोर्स किया जाता है, जो आपकी सेक्सुअल इलीगल सेक्सुअल एक्टिविटीज हैं। तो देखिए दोस्तों, इंडिया की भी अगर बात करें तो इंडिया में भी सिनेरियो कोई बहुत ज्यादा डिफरेंट नहीं है। तो यही सिनेरियो इंडिया में भी प्रेवलेंट है, लेकिन स्पेसिफिकली बात करें तो थोड़ा सा, अगर मैं अब ये तो वायलेंस वाली बातें मैंने आपको बताई, लेकिन थोड़ा सा स्पेसिफिक होकर बात करें तो ये भी पता चलता है कि हमारे इंडिया में एवरी थर्ड वुमेन इज अंडर नरिश्ड, और हर एक सेकेंड वुमेन जो है एनीमिक है। तो मतलब हर थर्ड वुमेन ऐसी है जिनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता, और हर दूसरी वुमेन ऐसी है जो एनीमिक है, जिन्हें खून की कमी है। तो ये दोस्तों ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो आप देख सकते हो कि इनफैक्ट जो जो ये जो इनइक्वालिटी है, ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो कैसे हिडन फॉर्म में भी काम करता है। और आप सोचते होंगे कि नहीं जी, अभी तो बहुत ज्यादा लेडीज जो हैं वो अपने घरों से बाहर निकलना शुरू कर दिया है, उन्होंने पब्लिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया है, वो वर्कफोर्स में पार्टिसिपेट कर रही हैं, वो अर्न कर रही हैं। तो इनफैक्ट दोस्तों, मैं आपको ज्यादा पीछे नहीं लेके जाऊंगा, 2018 में रिपोर्ट आई थी, ग्लोबल वेज रिपोर्ट बाय इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये रिपोर्ट आई थी नवंबर 2018 में, तो कुछ ज्यादा पुराना टाइम नहीं, अभी 5-4 महीने हुए हैं। उसमें ये पाया गया कि इनफैक्ट इंडिया में जो वेज इनइक्वालिटी है वो सबसे ज्यादा है, मतलब वुमेन सबसे कम पे की जाती हैं इंडिया में एज कंपेयर टू देयर मेल काउंटरपार्ट्स। और इनफैक्ट वुमेन की सैलरी मेल से 34% लेस है। तो ये जो मतलब अगर 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 आपकी किसी इंडिविजुअल की, किसी मेल की, किसी काम के लिए 10,000 सैलरी है, तो उसी काम के लिए, सेम काम के लिए, सेम जिसमें सेम एनर्जी लगती है, सेम स्किल चाहिए, और उसमें उसमें फीमेल की को जो सैलरी मिलती है वो 6,600 है। तो आप देख सकते हो कि ये जो हम एम्पावरमेंट की भी बात कर रहे हैं कि एम्पावरमेंट हो रही है, वो इतने लेवल की नहीं है। तो दोस्तों, ये जो मैंने फैक्ट्स एंड फिगर्स इनफैक्ट आपको बताएं, वो बेसिकली इसी के लिए बताएं कि आपको सेंसिटाइज किया जा सके कि क्या प्रॉब्लम है, वुमेन किस तरीके की प्रॉब्लम फेस करती हैं। और बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वीडियो को सुन रहे होंगे और उन वो ऑलरेडी प्रीजुडाइज होंगे फीमेल की तरफ, बिकॉज सोसाइटी का बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। आप कैसी फैमिली में ग्रो अप करे हो, आप आपके आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपकी सोसाइटी कैसे देखती है वुमेन को, वो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसमें बहुत ज्यादा ऐसे लोग होंगे कि इस चीज को समझेंगे कि ये तो ऐसे बकवास है, कुछ नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको सिंपल ये बात बता देना चाहता हूं, चाहे आप एक्सेप्ट कीजिए चाहे ना एक्सेप्ट कीजिए, ये चीजें हैं और ये चीजें रुकनी चाहिए। और इनफैक्ट कल को अगर अगर ऑब्वियसली आप भी कोई मेल अगर जिसके प्रीजुडाइज्ड है इस चीज को लेके, तो सर्टनली उसको भी ये याद रखना चाहिए कि उसकी भी मदर है, उसकी भी सिस्टर्स हैं, और कल को उसकी भी बेटी होगी। तो सर्टनली अगर ऐसा उसके साथ हो, उसकी बेटी के साथ हो, या उनकी बहन के साथ हो, या उनकी मदर के साथ हो, तो वो भी टॉलरेट नहीं कर पाएंगे। तो अपना थोड़ा हमें दिमाग खुला रखना है, बिकॉज़ ये जो चीजें हैं, ये जो वेल एस्टेब्लिश्ड हैं कि हाँ मेल डोमिनेशन होनी है फीमेल पे, ये चीजें को चैलेंज करना चाहिए। ये देखिए, इस पावर में जो कोई भी बंदा होता है, वो बंदा हमेशा क्या होता है, पावर को, अपनी पावर को इतनी जल्दी वो छोड़ने में एक तरह से एग्री नहीं करता। और अभी की जो सोसाइटी है इंडिया की, जब वर्ल्ड वो पैट्रियार्कल सोसाइटी है जिसमें फीमेल का इक्वल शेयर नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखो तो फीमेल की, अब हमारे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में नियर अबाउट, मुझे एग्जैक्ट फिगर नहीं पता है, अभी सिर्फ पार्लियामेंट में 15% जो एमपीज हैं वो फीमेल हैं सिर्फ। तो आप देख सकते हो कि पार्टिसिपेशन इतनी नहीं है। तो सर्टनली अब ऐसी पोजीशंस पे जब वुमेन को लाया जाएगा, तो ऑलरेडी जो वेल एस्टेब्लिश्ड वेस्टर्न इंटरेस्ट्स हैं उनको प्रॉब्लम तो होगी, बट ये चीज
किसी को प्रॉब्लम हो, इससे आपको नहीं रुकना चाहिए, आपको अपना काम करते रहना चाहिए। और लास्ट में आपको एक मैं कोट बताना चाहता हूँ, ये कोट है आपका जो बाइडेन का, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस हिज नेम प्रॉपरली, बट आई नो वन थिंग दैट ही वॉज अ वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सॉरी वाइस प्रेजिडेंट ऑफ अमेरिका फ्रॉम 2009 to 2017। तो 8 साल तक ये वाइस प्रेजिडेंट रहे। इस बार इनका 2020 में ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो ये वाइस ये प्रेसिडेंट की उसमें भी रेस में भी पार्टिसिपेट करें। तो ये डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट हैं। तो इनका कोट है कि व्हेन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन इज नो लॉन्गर सोसाइटली एक्सेप्टेड, नो लॉन्गर केप्ट सीक्रेट, व्हेन एवरीवन अंडरस्टैंड्स दैट इवन वन केस इज टू मेनी, देन दैट्स व्हेन इट विल चेंज। तो दोस्तों इन्होंने यही कहा है कि जब तक कोई खुल के नहीं बोलता, जब तक फीमेल खुद सामने नहीं आती, अपनी ओडील को नहीं एक्सप्लेन करती, अनलेस एंड अंटिल दे डोंट कम आउट ऑफ दोज वॉल्स दैट आर क्रिएटेड इन देयर माइंड्स, तब तक हम इस प्रॉब्लम को प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है यही सभी को कि आपको अगर आपके सामने कोई केस आता है या आप खुद इस चीज़ से फेस कर रहे हो, तो आप इसको बोलिए और इसको सामने रखिए। तो ये चीज़ थी दोस्तों आज की वीडियो के बारे में, आई होप आपको पसंद आई होगी। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो, थैंक यू, हैव अ वेरी नाइस डे। Do ensure that you like it and do share it with your friends, because दोस्तों हम बहुत effort कर रहे हैं, अगर आप हमारी बात आगे नहीं पहुंचाओगे तो certainly आप सुनोगे आप तक रह जाएगी। अगर आप चाहते हो ज्यादा से ज्यादा impact हो तो certainly इसको आगे share जरूर कीजिएगा। Thank you दोस्तों, welcome, well, thank you.